गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल राइट, सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी व्हिच इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एंड देयर वाज द लास्ट टॉपिक व्हिच इन व्हिच यू पीपल हैड सम प्रॉब्लम्स। कैन यू कम अप विद द क्वेश्चंस अगेन? Can you come up with the questions again? If see, we read about in the last topic about the various types of methods in which we can conserve the soil. उसमें हमने पढ़ा कि कैसे contour plowing, मैंने आपको सबकी movies दिखाई थी ना, movies नहीं sorry, pictures दिखाई थी जिसमें contour, मेरा case studies को आपको learn नहीं करना पड़ता है, but definitely yes, केस स्टडीज को पढ़ना पड़ता है। बोर्ड में क्वेश्चन बुक में कुछ भी दिया उस पे आ सकता है, ठीक है? एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बुक। तो आप लोगों को डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन द बुक इज टू बी स्टडीड। बट आई थिंक अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में बेटा वो चैप्टर आ रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप, हाँ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी में हर चीज पढ़नी है आपने, ठीक है? अभी तो आज बेटा आपका ज्योग्राफी का चैप्टर जो है वो इट इज गोइंग टू टेक दिस वीक एंड द नेक्स्ट वीक, ठीक है? उसके बाद मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, बट हिस्ट्री में भी हम पहले नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है? नेशनलिज्म इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी प्रोसीड विद नेशनलिज्म इन यूरोप, बट वी डिसाइड, आप हम देख लेंगे नेक्स्ट वीक कि हम क्या हमने क्या स्टार्ट करना है, नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करना है कि नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करना है, ठीक है? दैट विल सी, बट लेट अस फिनिश अप विद द चैप्टर एग्रीकल्चर। सो टुडे अच्छा पहले हम पढ़ लेंगे, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे this is yes will start in October. Nationalism in Europe can only be started in Europe. See, I have got only one class with you per week. एक ही क्लास होती है हर हफ्ते आपके साथ, तो उसमें हम कितना पढ़ सकते हैं बेटा, क्या कवर कर सकते हैं, कितना कवर कर सकते हैं? एग्रीकल्चर भी तो आ रहा होगा आपके हाफ ईयर में, सभ्यता विद स्कूल डू यू हैव, यू आर इन सभ्यता, कैन मे आई प्लीज नो यू आर इन विद स्कूल? चार हिस्ट्री के चैप्टर, कैरमल कॉन्वेंट, इज इट अ सीबीएसई स्कूल? यस इट इज अ सीबीएसई स्कूल। अच्छा इट इज नॉट अ सीबीएसई स्कूल, ओके ओके। सो देखिए जब इट्स अ जेके बोर्ड स्कूल, राइट, क्योंकि सीबीएसई में ओनली टू चैप्टर्स ऑफ history are coming in the board exam, nationalism in India or nationalism in Europe, ठीक है? तो हम nationalism in India अच्छी तरह पढ़ेंगे पहले, और फिर most probably nationalism in Europe start करेंगे, ठीक है? Okay, so let us start up with the chapter agriculture. हमारा जो पिछला chapter था वो था, हमारा जो पिछला चैप्टर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग बेटा, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे हाउ टू कंजर्व सॉइल, ठीक है? जिसमें हमने पढ़ा प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स, शेल्टर बेल्स के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है? आई सेंड द नोट्स फॉर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, डोंट वरी, आपको मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं अभी शायद कि मिल गए हैं, ठीक है? उन मॉड्यूल्स में ये सारे दिए हुए हैं, ओके। तो हमारा जो यू विल गेट इट सून, आई हैव ऑलरेडी सेट इट अप एंड यू विल गेट इट सून, सोशल स्टडीज का मॉड्यूल प्रिंट हो रहा होगा, जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो नाउ लिसन, नाउ लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम द पास्ट फाइव मिनट्स।
हमारा जो लास्ट टॉपिक था सॉइल कंजर्वेशन का, उसमें हमने पढ़ना था शेल्टर बेल्ट्स, गल इरोजन और शीट इरोजन के बारे में पढ़ा था कि कैसे इरोजन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉन्टूर फ्लोइंग कर सकते हैं, ठीक है, और उसको करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस मेथड्स. हमने बोला, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ाया था, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक यू कैन टेल मी, अदरवाइज टुडे विल बी स्टार्टिंग अप विद योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी व्हिच इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है. एग्रीकल्चर में आपका चैप्टर टू जो है इट इज नॉट इन द सिलेबस. आपका चैप्टर थ्री जो है वो है वाटर रिसोर्स, उसका सिर्फ मैप आ रहा है आपके एग्जाम्स में. तो मैप जो है वो मैं आपको बना के सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में, ठीक है. मैप वर्क आई बी सेंडिंग इन द ग्रुप, तो आप उसी से आप अपना याद करोगे जो मैप आइटम्स हैं. एग्रीकल्चर जो फोर्थ चैप्टर है अब वहां से पढ़ना, सेकेंड और थर्ड चैप्टर को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और थर्ड चैप्टर का सिर्फ मैप वर्क करना है, ठीक है. विल स्टार्ट अप विद द फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर टुडे. राइट, तो एग्रीकल्चर हमने सेकेंडरी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है. तो यस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल करनी है बेटा, टाइप्स ऑफ सॉइल करना है हमें, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर का भी मैप वर्क मैं आपको जल्दी भेज दूंगी आपके ग्रुप में. लेटराइट सॉइल वो होता है बेटा जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट होती है और ड्राई होती, एक्सट्रीम हीट की वजह से उस सॉइल में ह्यूमस नहीं हो पाती, ठीक है. रेनफॉल भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है. लेटराइट सॉइल उन जगहों पे होता है जहां पे रेनफॉल भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है, ठीक है. हालांकि बहुत सारी रेनफॉल होती है जिससे कि सॉइल को बड़ा फर्टाइल होना चाहिए, लेकिन वो फर्टाइल नहीं हो पाता क्योंकि वहां गर्मी इतनी होती है कि ह्यूमस नहीं हो पाती सॉइल में. यू नो व्हाट इज ह्यूमस? द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो ह्यूमस जो है इट इज अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट फॉर द सॉइल, ठीक है. तो इसीलिए लेटराइट सॉइल में इट इज फाउंड इन पैचेस एट डिफरेंट प्लेसेस. लेटराइट सॉइल ऐसे नहीं है कि बस वेस्टर्न साइड में मिल रहा है या सदर्न साइड में मिल रहा है, अलग अलग पैचेस में मिल रहा है इंडिया में, ठीक है. तो वो हमने मैप वर्क में मैंने आपसे शेयर किया था मैप इंडिया के सॉइल्स का, उसमें बता दिया था कि लेटराइट सॉइल कहाँ 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 मिल रहा है, ठीक है. तो हमें उसमें खूब सारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डाल के उसको हम इरिगेट कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है. लेटराइट सॉइल. कैन आई स्टार्ट अप विद एग्रीकल्चर नाउ? क्या मैं अब स्टार्ट करूं एग्रीकल्चर चैप्टर बेटा? ओके. तो एग्रीकल्चर एज वी Alright, so as we have already read about the second chapter of economic sectors of Indian economy, can you tell me that agriculture comes in which sector? Agriculture comes in which sector? Primary. Very good, Kritika. It comes in primary sector. Agriculture comes in primary sector. Or primary sector kya hai? Any sector which which uses natural resources to produce its products is primary sector. ठीक है? तो agriculture is belongs to primary sector, and we also know that most of our population is dependent upon agriculture. हालांकि उनको output इतना नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी because there are lack of jobs in other sectors, तो yes. So because there is loss of there is less scarcity of jobs in the other sectors, that is why most of the people are stuck in primary sector, and there is lots and lots of dependency on primary sector, right. So
एग्रीकल्चर पे बहुत सारी हमारी डिपेंडेंसी है और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो इंडिया का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर है, द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया इज एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, मोर देन 50% ऑफ पीपल आर इन दिस सेक्टर. ठीक है, अब जो एग्रीकल्चर है वो ओके, तो हम सीधा शुरू कर देते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, हम सबसे पहले एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में फार्मिंग होती है. ठीक है, खेत जोते जाते हैं, एग्रीकल्चर पता ही आपको क्या होता है, खेतों को जोता जाता है. सो व्हाट आर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इज एग्रीकल्चर. ठीक है, सो व्हाट आर थिंग्स आर now what are in what all inputs are there in agricultural sector, can you tell me agree what all are the inputs of agriculture sector, agriculture sector mein inputs kya kya hai, natural ho chahe man made ho, kya kya input kya kya chahiye hame agriculture sector mein, sabse pehle water good, kuch aur bataiye, soil yes, fertilizer land very good, or लेबर, हैवी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, सीड्स ओके, मशीन्स, मशीन्स की जगह क्या है, राइट डाउन टूल्स. ठीक है, पेस्टिसाइड्स वेरी गुड, पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स वो सारे सेम ही आगे सारे. तो क्या क्या चीजें चाहिए, व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, पानी चाहिए इरिगेशन के लिए वेरी गुड, लैंड चाहिए जिसके ऊपर इरिगेशन होगी. ठीक है, ट्रैक्टर्स वो सारे टूल्स में आ जाएंगे बेटा, टूल्स में मशीनरी भी आ जाएगी सारी. ठीक है, फर्टिलाइजर्स चाहिए, सॉइल चाहिए, सीड्स चाहिए, टूल्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए. तो ये सारे इनपुट्स हैं हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के. वेरी गुड, आई एम सो रिलीव्ड टू नो दैट अखिल गुड वेदर वेरी गुड, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन शुड ऑल्सो बी सुटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, दैट्स ऑल्सो गुड. ओके, तो आई एम इट्स सो गुड टू नो कि आप सबको पता है कि इनपुट्स क्या क्या होते हैं. इनपुट्स वो चीजें होती हैं जो कोई काम करने के लिए जो बेसिक चीजों की जरूरत होती है उनको हम इनपुट्स कहते हैं. ठीक है, जैसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्जाम में आपको क्या क्या इनपुट्स चाहिए. ठीक है, अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उसमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए, तो उसमें हार्डवर्क चाहिए वेरी गुड, हार्डवर्क चाहिए, परसिवरेंस चाहिए आपको, आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवर्क, डायरेक्शन देने के लिए हार्डवर्क को एक अच्छी कंसंट्रेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए वेरी गुड, प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस चाहिए वेरी गुड, प्रैक्टिस चाहिए एब्सोल्युटली, स्टडी मटीरियल वेरी गुड योगिता, अखिल सैक्रिफाइस क्या चाहिए आपको, व्हाट सैक्रिफाइस, राइट, डेफिनेटली वी डू मेक लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. हम लोग कहते हैं कि बच्चों की लाइफ बड़ी इजी होती है, बट आई कैन अंडरस्टैंड बच्चों की लाइफ बहुत टफ होती है, दे हैव टू मेक लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, दे हैव टू लिसन टू एवरीवन, हर एक की बात माननी पड़ती है, टीवी भी नहीं देख पाते अर्शिया वेरी गुड, टीवी भी नहीं देख पाते हैं, हर किसी की बात सुननी पड़ती है, हर किसी की बात माननी पड़ती है, आईपीएल शुरू हो गया भाई वो नहीं देख पा रहे हैं बेचारे बच्चे. ठीक है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. तो लेकिन हमें हमेशा से बचपन में ये सिखाया जाता है, नेटफ्लिक्स अलाउड नहीं, यस नाउ आई हैव स्टार्टेड यू नो हैविंग सो मच ऑफ एम्पथी फॉर यू पीपल. Yes, I have gone through that stage and I know that being a child is very tough, right? आपको एक तो पढ़ाई का इतना बोझ है, you have to learn so many subjects and so many things. अच्छे marks वगैरह लाना तो बड़ी दूर की बात है, पहले उनकी notebooks बनानी, पढ़ना, tuition, schools, everything, and you cannot enjoy your life fully. But yes, ये बोला जाता है कि आप पहले अभी पढ़ लो. ठीक है, जब तक आप 20 साल के होंगे उसके बाद यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड आई अग्री टू दैट टू, मेकिंग नोटबुक्स इज फर्स्ट थिंग, यस, राइटिंग डाउन एवरीथिंग,
ठीक है, लेकिन ये भी बोला जाता है कि आपको कि ये स्टेज है आपकी मेहनत करने की, ताकि आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ यू कैन एंजॉय वेल, राइट। तो अगर आप पढ़ोगे अभी 17-18 इयर्स तक आपकी 12th होगी, उसके बाद 2-3 साल की ग्रेजुएशन होती है, तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट 2 इयर्स ही टफ होते हैं, उसके बाद से आपकी लाइफ थोड़ा इजी हो जाती है, आप बड़े हो जाते हो, यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस, पेरेंट्स इतना ज्यादा आपको मना नहीं करते हैं कुछ भी करने से, तो ठीक है। अभी आप थोड़े से साल रह गए हैं, यू हैव ऑलरेडी यू नो स्पेंट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लाइफ, और थोड़ी सी लाइफ अब मेहनत की रह गई है, अब कर लीजिए, ठीक है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इनपुट्स, तो इनपुट्स एग्रीकल्चर के जो है वो क्या क्या है वो यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं इनपुट्स की बेसिस पे ही हमारे जो एग्रीकल्चर की क्लासिफिकेशन हो जाती है अलग अलग तरह से, ठीक है। हम लोग जब भी आपकी क्लास में पढ़ाया गया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपको हमेशा ये बताते होंगे कि एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, परमिटेंट सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, लेकिन किन बेसिस पे इनको अलग किया जा रहा है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि हमारी क्लासिफाई करना बड़ा ईजी हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर को क्लासिफाई करना, हमने देखना है कि अच्छा ये वाले में ये इनपुट नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये वाला टाइप है, ठीक है। हम इन इनपुट्स के बेसिस पर ही एग्रीकल्चर को जो है वो क्लासिफाई करते हैं अलग अलग उसमें कैटेगरीज में, ठीक है। तो आपने एक साइड पे इनपुट्स लिख लेने हैं, या आपने एक साइड पे सारे नाम लिख लेने हैं, ये परमिटेड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। और फिर लिख लेना है कि इनके इनपुट्स क्या क्या है, इनमें क्या क्या इनपुट्स हो, बस, ठीक है। और इनपुट्स तो सेम है, कौन से अब ये वाले इनपुट्स जो है कहाँ कहाँ फिट करने हैं हमें, उससे हमारा क्लासिफाई इजिली हो जाएगा एग्रीकल्चर। आई थिंक दिस मच यू हैव अंडरस्टूड, and let's proceed on classifying the agriculture. Where is my cluster? Okay. I think I've lost my duster somewhere. Can you please hold on for a second? Let me bring my duster and then we'll start again, okay? All right. Now, the various types of agriculture can be categorized on the basis of different inputs we have. ठीक है? India में क्योंकि हमें पता है India की diversity के बारे में हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। तो उसी तरह India का agriculture भी बड़ा diverse है। बहुत जगहों पे बहुत अलग-अलग तरह से farming होती है। लेकिन मेजोरिटेरिली हमारा जो एग्रीकल्चर है इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज, इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ और द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज और द फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming में क्या होता है? Primitive, as the name suggests, primitive means पुराने. पुराने जमाने की, जहां पर इनपुट्स यूज किए जाते हैं, पुराने जमाने के इनपुट्स यूज किए जाते हैं, उसको परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। पुराने जमाने के इनपुट्स में क्या आता है? अब सबसे पहले तो एक पोप क्या करते थे, एक पीस ऑफ लैंड लेते थे, ठीक है। यस माहिर, इट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो, ठीक है। बट बिफोर वी कम टू दैट टर्म, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पुराने जमाने में लोग या आज भी बहुत सारे ट्राइबल लोग ऐसे करते हैं. वो क्या करते हैं, दे टेक अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, उसमें क्रॉप्स उगाते हैं एक साल. वो पहले उस पीस ऑफ लैंड, क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया होता है ज्यादातर, उसको काटते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें अपने क्रॉप्स उगाते हैं. दो तीन चार साल के लिए उसमें क्रॉप्स उगाते हैं और फिर उनको पता है कि अब हम इसमें हर साल क्रॉप्स उगा रहे हैं उगा रहे हैं उगा रहे हैं, तो इसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, ठीक है. तो फर्टिलिटी कम होने के बाद हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वी लीव द लैंड फैलो. हम एक साल से कम के लिए उसे फैलो छोड़ देते हैं, कई बार एक साल से ज्यादा के लिए भी छोड़ देते हैं, करंट फैलो या फैलो लैंड जो हमने पढ़ा था. तो वो क्या करते हैं कि वो फैलो नहीं छोड़ते हैं. जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर वो क्या करते हैं कि लैंड क्लियर किया, क्रॉप्स उगाए, ठीक है. क्रॉप्स उगाने के बाद क्या हुआ कि जब उसकी फर्टिलिटी, तो हर साल जब वो क्रॉप उगाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी जब खत्म हो जाती है तो वो दूसरे पैच को क्लियर करते हैं, ठीक है. अब क्लियर करने में भी वो क्या करते हैं, सारे पेड़ काटते हैं, फिर उसमें से जो बच जाते हैं उसको जला भी देते हैं. वो जलाने से जो जो वो बचता है ना उसका कोयला, वो दैट इज एक्टिंग एज दैट एक्ट एज नेचुरल फर्टिलाइजर, ठीक है. तो वो स्लैश एंड बर्न इसीलिए उसे कहते हैं, उसकी जो ऐश होती है, यस इट इज यूज्ड एज अ मैन्योर और वी कैन से फर्टिलाइजर इन एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स, ठीक है. तो ऐसे ही वो हर तीन चार साल बाद क्या करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड क्लियर करते हैं, बर्न करके उसको क्लियर करते हैं और उसमें क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है. ऐसा वो इसलिए क्योंकि बिकॉज प्रिमिटिव पुराने जमाने में ऐसा तो था नहीं, ये जमीन मेरी है ये जमीन मेरी है, थोड़ी सी पॉपुलेशन होती थी और जंगल ही जंगल होते थे. तो वो क्या करते थे, जंगल थोड़ा सा क्लियर करना और वो जो थोड़ा सा ग्रुप होता था या वो छोटा सा ट्राइबल ग्रुप या विलेजर्स का जो ग्रुप होता था, वो सारे फिर उसी क्रॉप पे डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है. सब्सिस्टेंस क्या होता है, सब्सिस्टेंस होता है इतना उगाते थे जिससे वो खुद सस्टेन कर सके, मतलब सिर्फ अपने लिए, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए. ऐसा नहीं होता था कि वो फिर मार्केट में जाके बेचते थे, ठीक है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर व्हिच सेटिस्फाई, वेरी गुड योगिता, दैट सेटिस्फाई योर देयर ओन नीड्स ओनली, ठीक है. दे डोंट मेक सरप्लस सो दैट दे कैन इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, नो, ठीक है. वो उतना ही उगा पाते हैं एक्चुअली जितना कि उनको अपने खाने पीने के लिए जरूरत होती है, ठीक है. उसके बाद this type of agriculture, in this type, all the primitive tools are used, like hoe हो गया, primitive, जैसे वो बैल को लेके खेत जोतना और वो सारी चीजें, वैसी चीजें वो यूज करते थे. primitive type of tools are also used here, ठीक है. तो इसमें कोई मॉडर्न इनपुट नहीं होता प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, ठीक है. कोई मॉडर्न मशीनरी यूज नहीं होती, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते, मॉडर्न पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते. हर एक चीज जो इनपुट यूज हो रहा है वो प्रिमिटिव यूज होता है. प्रिमिटिव टाइप ऑफ टूल्स, प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेज इन विच दे क्लियर द फील्ड्स एंड यूज द नेचुरल मैन्योर टू गिव न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. तो फर्टिलाइजर्स भी वो यूज नहीं करते. This is what primitive subsistence farming is. It is also known as slash and burn agriculture. It is also known as झूम cropping, झूम, ठीक है. और इसको बहुत अलग अलग तरह के नाम से अलग, जैसे it is given in your book कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और असम में इसे झूम कहते हैं. हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसका नाम झूम है, primitive subsistence farming का. उसके बाद दीपा जो है, दीपा कहते हैं इसको छत्तीसगढ़ में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसे दीपा कहा जाता है, ठीक है. तो बैम्बलू इन मणिपुर, मणिपुर में इसे बैम्बलू कहा जाता है. तो अलग अलग जगहों पे इस प्रिमिटिव फार्मिंग के अलग अलग नाम है. यस, ये आपको लर्न करने हैं कि दीपा किस जगह में कहा जाता है, बैम्बलू कहाँ पे कहा जाता है, झूम कहाँ पे कहा जाता है. ये तीन तो आपने लर्न करने ही करने हैं नाम, ठीक है. उसके बाद इसके इंटरनेशनल नेम्स भी दिए हुए हैं, ठीक है. तो इंटरनेशनल नेम्स में आपने करना है मिल्पा, इट इज कॉल्ड मिल्पा इन मेक्सिको. उसके बाद इट इज कॉल्ड रे इन वियतनाम. आप इसके इंटरनेशनल नाम मत लर्न कीजिएगा, दे आर सो मेनी. तो हमने सिर्फ तीन इसके नाम लर्न करने हैं, कौन कौन से,
Jhum in northeastern states of Meghalaya, Mizoram, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and okay. बेटा मैं आपसे दो मिनट में मैं मीटिंग ज्वाइन करती हूँ वापस, क्योंकि मेरी बैटरी जो मोबाइल है इसकी बैटरी इज डेड नाउ. आई एम गोइंग टू चेंज दिस मोबाइल एंड जस्ट वेट फॉर मी फॉर द मीटिंग. ओके अभी आई एम गोइंग टू ज्वाइन बैक. Am I visible and audible to everyone? Thank you. Okay. Yeah, good. So we were talking about the subsistence, the types of farming here. And primitive subsistence farming is a farming where the primitive tools are used, primitive methods of farming are used, and there is no modern input in this type of farming, right? Here a piece of land, a patch of land is cleared and that is used for agriculture for a few years, and after it loses its fertility, the people, they leave that patch of land behind and they clear the other patch of land. But nowadays this Zoom agri farming or this primitive method is not very very popular or acceptable, because it leads to deforestation. It leads to deforestation. So hamare, although tribal areas mein abhi bhi follow ho raha hai, lekin zyadatar states ne ise illegal kar diya hua hai. Theek hai, it is against law to practice this primitive type of farming. Uske baad hamara jo dusra type hai, or it is known by different names at different places. ठीक है, झूम कहते हैं इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, पेमलू कहते हैं इसे मणिपुर में, और दीपा कहते हैं इसे छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. ठीक है, इसके साथ इसकी बहुत सारी इंटरनेशनल नेम्स भी हैं, विच आई वोंट रिकमेंड टू लर्न बिकॉज दे आर वेरी कंफ्यूजिंग. एक बार पढ़ लीजिएगा, आई डोंट नो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, इट कैन कम,
it might come, they might not come, right? So okay, now the next type. So primitive farming में हमारे primitive tools use होते हैं, ठीक है, ठीक है. And a patch of land is cleared. And used for cultivation. उसके बाद it is also known as slash and burn agriculture. Right? Then the second type of farming is intensive subsistence farming. इसमें हमें सबसे पहले पता करना है कि इंटेंसिव का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव? इंटेंस. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव? एक्सट्रीम. वेरी गुड अखिल. टू मच. वेरी गुड सभ्यता. तो इंटेंसिव का मतलब होता है कि बहुत बहुत ज्यादा. कि कोई चीज जब हम बहुत ज्यादा एक्सेस में करते हैं ना, उसे कहते हैं इंटेंसिव. ठीक है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं फार्मिंग का, कल्टीवेशन. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फार्मिंग दैट इज यूज्ड इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन. तो पहला फीचर आ गया इसका, हाई पॉपुलेशन. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज यूज्ड इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन. ठीक है, जहां पर बहुत हाई पॉपुलेशन होती है ना, वहां पर ये यूज होता है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ये भी सब्सिस्टेंस है. सब्सिस्टेंस का मतलब है कि यहां पर भी जो लोग उगा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, दैट इज फॉर देयर ओन कंजम्पशन. राइट, सब्सिस्टेंस का मतलब आप सारे समझ लो. जहां पर भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग का नाम ले लिया जा रहा है, सब्सिस्टेंस का मतलब है फॉर वंस ओन नीड्स, फॉर फुलफिलिंग वंस ओन नीड्स, फॉर वंस ओन यू नो दिस द क्रॉप इज व्हिच इज द यील्ड दैट कम्स आउट ऑफ द no, not for commercial purpose, Akhil. No. It is not for commercial. Commercial farming अलग है. ठीक है, subsistence हो गई कि जो which is for one's own consumption, for one's own need. जो जितना उगाते हैं खुद ही खाते हैं. मतलब कि जितना इतना थोड़ा ही उगा पाते हैं कि बस उनका अपना ही गुजारा होता है. They are not able to sell it in the market. ठीक है, good. Yes, Yogita, whatever you are writing, sharing a property and all, it is all correct, but we'll just reach to it. Okay? So it is practiced in the area of high population. There is extreme pressure on the land. Land mein pressure kyun hai? Kyunki us area pe ye farming ho rahi hai jahan par are not sold in the market. Yes, Arshia, both primitive and intensive crops are not sold in the market. ठीक है, they are for their own consumption. That is why दोनों के साथ word जुड़ा हुआ है, subsistence. ठीक है, तो यहाँ पर pressure बड़ा होता है क्योंकि population बहुत ज्यादा है. population ज्यादा होने की वजह से उनको बहुत demand रहती है crops की, खाने की. ठीक है, तो उनके पास लेकिन land तो वही लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड है. उस लिमिटेड पीस ऑफ लैंड से उन्होंने बहुत ज्यादा आउटपुट लेना है, तो लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है. ठीक है, सो देयर इज एक्सट्रीम प्रेशर ऑन द लैंड. राइट, उसके बाद द टूल्स व्हिच आर यूज्ड हियर आर मॉडर्न. अरे गार्डनिंग इज सब्सिस्टेंस, अखिल. गार्डनिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय गार्डनिंग? गार्डनिंग मीन्स फूल उगाना, फूल पौधे अपने गार्डन में उगाना. इट इज ऑर्नामेंटल, इट इज नॉट फॉर एनीबडी सब्सिस्टेंस, किसी के जीने के लिए नहीं है. हाँ, जो गार्डनर होता है वो सर्विस
देता है, वो सर्विस सेक्टर में है तो वो सर्विस देता है और वो हेल्प करता है उनको क्रॉप्स को, सॉरी नॉट क्रॉप्स बट वो फूलों को उगाने में, ठीक है। लेकिन गार्डनिंग पे किसी की जो क्रॉप है उस पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, उसको खाता कोई नहीं, समझ आ गया। गार्डनिंग इज अ लेजर एक्टिविटी, गार्डनिंग इज दैट कम्स अंडर सर्विस सेक्टर, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में आता है। हमने पहले भी देखा था, पढ़ा था इसके बारे में कि वो जो गार्डनर है वो सर्विस दे रहा है, हमें फूल उगा के दे रहा है, तो वो क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगा, वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो गार्डनर है वो सिर्फ पौधे उगाने के पैसे ले रहा है हमसे, हम पौधों को काट के मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। Okay, let's come back to the intensive subsistence farming here. So there is huge pressure on the land because high population is dependent upon that piece of land. Okay, modern inputs are used here. Modern inputs कौन कौन से हो गए? Modern inputs हो गए tractors, मतलब modern machinery, fertilizers, pesticides, ये सारी चीजें यहाँ पे use होती हैं, ताकि और या केमिकल्स भी, सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है ताकि एक छोटे से पीस ऑफ लैंड से वो ज्यादा से ज्यादा यील्ड कर सके, ठीक है। लेकिन बड़ा हाई लेवल का यहाँ पर देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पर मॉडर्न इनपुट्स यूज होते हैं, लेकिन वो मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं होते जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, समझ आ गया, बहुत, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। स्मॉल एरिया ऑफ लैंड होता है, हाँ जी, एरिया छोटा होता है वहां पे, ठीक है। अब तीसरी बात आ गई यहाँ पे कि प्रेशर लैंड पे क्यों होता है। प्रेशर लैंड पे इसलिए होता है क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो गया है, लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही है, ठीक है। सपोज ये पीस ऑफ लैंड था पहले किसी के पास, ठीक है, किसी रामलाल के पास ये बड़ा सा पीस ऑफ लैंड था, रामलाल के चार बेटे थे, चारों बेटों ने वो पीस ऑफ लैंड ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन चारों बेटों के आगे फैमिलीज हुई, ठीक है, हर एक के फैमिली में चार चार बंदे थे दोबारा से। पहले अब इस पूरे पीस ऑफ लैंड पे चार लोग या पांच लोग डिपेंडेंट थे, अब इस पूरे पीस ऑफ लैंड पे 16 लोग डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब रामलाल के जो चारों बच्चे थे उनके भी चार चार बच्चे हैं, तो उनके भी आगे फिर चार चार पांच में डिवाइड हो गया, तो लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही है, लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही है बिकॉज ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से, इनहेरिटेंस, राइट टू, सॉरी, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से लैंड होल्डिंग्स छोटी हो जा रही है। मुझे मेरे पापा का हिस्सा मिला, मेरे बच्चों को मेरा हिस्सा मिलेगा, उनके बच्चों को उनका हिस्सा, तो छोटे हिस्से होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन तो हमारी कंट्रोल में है नहीं, ठीक है। खासकर हमारी जो जिस पॉपुलेशन को एक्चुअली में कंट्रोल होना चाहिए, द पुअर पॉपुलेशन, वहां पर क्या है कि हर एक के आगे तीन तीन चार चार बच्चे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी कितनों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर आ जाता है एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे। इस पीस ऑफ लैंड से अब चार लोग, पहले इतने बड़े पीस ऑफ लैंड से चार लोग खाते थे, अब सिर्फ इतने से पीस ऑफ, हाँ, रामलाल has also got it from his ancestors, definitely. उसने भी inherit किया हुआ है, ठीक है? तो अब कितने छोटे से piece of land से चार लोग खा रहे हैं, ठीक है? अब उस land पे कितना pressure बन गया होगा? Can you imagine? कितना pressure होगा इस land पे जो इस छोटे से piece of land से चार लोग खाना खा रहे हैं? अब इसकी yield बढ़ाने के लिए वो हर तरह से कोशिश करेंगे, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालेंगे, बहुत यू नो व्हाटएवर, इन व्हाटएवर वे इज पॉसिबल दे आर गोइंग टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड, राइट। सो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से द लैंड होल्डिंग्स आर गेटिंग स्मॉलर एंड दैट इज व्हाई द प्रेशर ऑन द लैंड इज इंक्रीजिंग, द प्रेशर ऑन द लैंड इज इंक्रीजिंग। So high doses of biochemical inputs and irrigation. Irrigation भी यहाँ पर high doses of irrigation is used, high doses of biochemical fertilizers
और केमिकल्स आर यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है। और वो मोर प्रोडक्शन जो है वो बाजार में बेचने के लिए नहीं है, वो अपनी कंजम्पशन के लिए ही उनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि छोटा 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 लैंड हो रहा है और कंज्यूम करने के लिए उनको अब ज्यादा से ज्यादा यील्ड चाहिए। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग अब आती है वो फार्मिंग जो कोई गरीब किसान नहीं कर रहा है, जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं और अपने खेतों में कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब वो ऐसी चीजें उगा रहे हैं जो क्रॉप है वो मार्केट में जाके बिकेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया फॉर मार्केट पर्पस, सो दे आर ग्रोइंग देयर क्रॉप टू बी सोल्ड इन द मार्केट। तो पहला फीचर आ गया इसका फॉर द पर्पस ऑफ मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग इज अ फार्मिंग व्हिच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट इनटू द मार्केट, सेलिंग द क्रॉप इन द मार्केट, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड, हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड एंड हाई लेवल ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज्ड। जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स है वो सारी यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग में ज्यादा यूज होती है। इवन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आर यूज है, ठीक है। मेनी टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कमर्शियल फार्मिंग होती है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप इसलिए नहीं उगाना कि जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप इसलिए उगाना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें। दूसरा, क्वालिटी भी होनी चाहिए क्रॉप की, तभी तो मार्केट में ज्यादा सेल होगा, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े टमाटर, इतने बड़े बड़े वो आजकल कमर्शियल फार्मिंग में जो वेजिटेबल्स आपने देखे हैं, इतने बड़े बड़े बैंगन, टमाटर, कद्दू, इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, तो वो सारे हाइब्रिड, यस अकुल आपने पहले बोले, वो हाइब्रिड टाइप के प्रोडक्ट्स हैं या क्रॉप्स हैं, ठीक है। दे आर वेरी मच व्हाट वी कैन से, दे हैव बीन टेस्टेड अपॉन एंड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन ऑन दिस क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर एंड इन ऑर्डर टू मेक देम मोर बेटर एंड मोर, ठीक है। सो दीज आर मॉडिफाइड क्रॉप्स, वेरी गुड, राइट। सो अब कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स उगते हैं, कई जगह पे वो कमर्शियल उगते हैं और कई जगह पे वो सबसिस्टेंस के लिए उगते हैं। जैसे ओडिशा में चावल जो है वो सबसिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है। ओडिशा में जो चावल है, जो राइस उगाए जाते हैं, वो सबसिस्टेंस के लिए उगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पंजाब में चावल जो है वो कमर्शियल फार्मिंग है, वो मार्केट में बेचने के लिए उगाए जाते हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल क्रॉप्स जो है वो हर जगह कमर्शियल ही होंगे, ठीक है। तो हमारे जेएनके में भी आपने देखा है, जो हम जहां पर हम लोग रहते हैं, जेएनके पूरा का पूरा नहीं यूज होता उसके लिए, ये हमारा बस ये थोड़ा सा एरिया है जम्मू डिविजन का, जम्मू कठुआ सांबा, यहाँ पर जो है बस यहाँ तक ही जो फील्ड्स हैं बड़े बड़े जहाँ पे राइस और वीट उगाए जाते हैं। और ये राइस और वीट जो है, इट इज नॉट अ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इट इज अ कमर्शियल फार्मिंग हियर, कमर्शियल पर्पस के लिए ये चावल और वीट उगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही चावल अगर ओडिशा में उगाए जाते हैं तो वहां पर ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, नॉट कमर्शियल, हमारे यहाँ पे कमर्शियल, ठीक है। तो उसके बाद कई ऐसे क्रॉप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियली उगाए जाते हैं, जैसे कि शुगर केन। शुगर केन जो है कोई अपने सब्सिस्टेंस के लिए नहीं उगाएगा कि मैं सिर्फ गन्ना खा के जीऊंगा, गन्ना खा के कोई नहीं जी सकता। तो शुगर केन इज अ कमर्शियल क्रॉप व्हिच इज ग्रोन फॉर द सेक ऑफ ओनली इंडस्ट्रियल पर्पस और मार्केट पर्पस, ठीक है। टी, टी व्हाट इज टी, इज इट अ सब्सिस्टेंस क्रॉप? कनिष्क सब्सिस्टेंस
रुक जाओ, टी टी इज टी एंड कॉफी, वो क्या है? आर दे सब्सिस्टेंस क्रॉप? नो, दे आर कमर्शियल क्रॉप. यस दे आर बेवरेज क्रॉप बट दे आर कमर्शियल. ठीक है, उसी तरह जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स उगाए जाते हैं वो सारे क्या है? दे आर नॉट सब्सिस्टेंस, दे आर ऑल प्लांटेशन. उनको कहा जाता है प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, एप्पल प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन. तो ये प्लांटेशन क्या होता है? Plantation is a type of commercial agriculture where one type of crop is grown over large areas. जैसे असम की hills हैं, असम की hills are all filled with tea plantation. ठीक है, उसी तरह अगर हम कश्मीर चले जाएं तो कश्मीर में ऐसे बड़े बड़े प्लांटेशन हैं. किसके? एप्पल के. यस योगिता, एप्पल के. ठीक है, तो दे आर प्लांटेशन जहां, और कहीं पंजाब में कहीं ऐसी जगह है, यूपी में कहीं ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ शुगर केन प्लांटेशन होते हैं, क्योंकि शुगर केन इज अ प्लांट विच टेक्स फुल ईयर टू ग्रो. ठीक है, तो बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी जगह है जहां पे सिर्फ शुगर केन प्लांटेशन होते हैं. ठीक है, कईयों में सिर्फ आम के बाग लगे होते हैं बहुत बड़ी बड़ी जगह पे. ठीक है, तो प्लांटेशन हो गया जब एक ही क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है, एक ही टाइप का क्रॉप वहां उगता है और कुछ नहीं उगता है. ठीक है, आप बोलोगे कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ये जो आरएसपुरा जाओ या सांबा जाओ, वो जो खेत है वो प्लांटेशन है? नहीं, बैम्बू प्लांटेशन. नो, शुगर केन इज नॉट बैम्बू. शुगर केन इज नॉट बैम्बू बेटा. बैम्बू होता है क्या कहते हैं बैम्बू, शुगर केन तो गन्ना हो गया ना, गन्ने अलग चीज है, गन्ने में से शुगर निकलती है. बैम्बू जो है, बैम्बू का कोई पार्ट हम खाते नहीं है. बांस, वेरी गुड, यस आकृति, दैट्स द राइट वर्ड. बैम्बू को कहते हैं बांस. बांस इज नॉट यूज टू कंज्यूम. बांस यूज होता है, बैम्बू यूज होता है सिर्फ केन फर्नीचर बनाने में यूज होता है, रोप्स बनाने में यूज होता है. देयर इज अ क्वेश्चन, लेट मी गो थ्रू दैट. देखिए, हाँ, चावल हम खुद भी खाते हैं. देखो, सपोज मेरे, आई हैव माय ओन फील्ड्स, मेरे बहुत सारे खेत हैं आरएसपुरा में, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं. ठीक है, उसमें से कुछ चावल मैं रख लेती हूँ अपनी कंजम्पशन के लिए, लेकिन मैक्सिमम चावल जो हम है वो हमारी, हम बेच देते हैं मार्केट में. ठीक है, तो हम उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं कहेंगे. ठीक है, मेरा मेन एम जो है वो चावल उगाना, उगाने का एम जो है वो सब्सिस्टेंस के लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है. ठीक है, कि मैं अपना पेट भर सकूं. मेरा मेन एम है वो चावल उगाने का, कि मैं उसे मार्केट में बेच सकूं. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दैट इज अ कमर्शियल क्रॉप. आप समझ आई बेटा? गुड. तो आपका एम क्या है क्रॉप उगाने का, वो एक्चुअली मैटर करता है. हाँ, उसमें से आप सोच रहे हो कि मैंने कमर्शियल, मैंने सेब का बाग लगाया हुआ है जो कमर्शियल है, उसमें से सेब तोड़ के अगर मैं खुद खा रही हूँ तो वो सब्सिस्टेंस नहीं बन जाता क्रॉप, वो कमर्शियल ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि मैंने उसे मार्केट में बेचने के लिए लगाया है. सो देयर आर बैम्बू प्लांटेशंस, बनाना प्लांटेशंस, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांटेशंस. सो हैव यू अंडरस्टूड द थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग. समझ आया बेटा आपको? इनमें आपने देखा कि इनमें अलग अलग इनपुट्स यूज होते हैं. ठीक है, इनपुट्स यूज होते हैं. कमर्शियल फार्मिंग, एक नॉर्मल कमर्शियल फार्मिंग होती है, एक प्लांटेशंस होते हैं. ठीक है, नॉर्मल कमर्शियल फार्मिंग होती है जैसे हम यहाँ बाहर खेतों में चावल और गेहूं लगाते हैं, वो नॉर्मल, क्योंकि वहां पे कभी चावल लगा दिए, कभी गेहूं लगा दिए, और कभी बीच में ज्याद क्रॉप लगा दिए, बीच में वेजिटेबल्स लगा दिए, बीच में कुछ एनिमल फॉडर लगा दिया हमने. ठीक है, तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स लगाते हैं. लेकिन जब एक ही बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में एक ही टाइप का क्रॉप लगता है, उसे कहते हैं प्लांटेशन. ठीक है, कई बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि प्लांटेशन और कमर्शियल फार्मिंग में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस नहीं है दोनों में. प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सेम टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया. राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग हियर. राइट, आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट. ओके, लेट्स हैव अ क्विक
overview of the next topic, the different types of crops or cropping pattern. Very important, cropping pattern. ठीक है? Let's see. इसमें किसी को कोई 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 प्रॉब्लम है? इन तीन टाइप ऑफ फार्मिंग में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे, प्लीज आस्क मी. इट्स ऑल क्लियर. वेट अखिल शर्मा, वेट वेट फॉर व्हाट? व्हाट डू यू वांट मी टू वेट फॉर बच्चे? You want me to revise all three? I'll just do it again, very quickly, right? एक भी बच्चे को अगर problem होगी तो I won't be able to go further, ठीक है? तीन तरह की farming होती हैं. There are three type of farming. One is intensive, primitive subsistence farming, ठीक है? Subsistence farming का मतलब हो गया अपनी consumption के लिए. लेकिन primitive, primitive means पुरानी तरह के जहाँ पे methods, inputs use हो रहे हैं, उस तरह के. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, प्रिमिटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे पुराने लोग यूज करते थे काम करने में, क्या करते थे, वो एक पीस पीच ऑफ बैच ऑफ लैंड को क्लियर करते थे, जलाते थे, उसका जो एश होती थी उसको एज ए न्यूट्रिएंट यूज करते थे और वहां पे क्रॉप्स उगाते थे. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. तो वो क्या करते थे, काटना जलाना, स्लैश एंड बर्न. ठीक है, तो क्या होता था कि जब दो तीन साल चार साल के बाद उसकी फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, तो वो उस पैच ऑफ लैंड को छोड़ देते थे और आगे जाके किसी फॉरेस्ट में कोई और पैच ऑफ लैंड क्लियर करते थे और वहां पे एग्रीकल्चर करते थे. ठीक है, द ऑल द टूल्स एंड द मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज्ड हियर आर प्रिमिटिव. प्रिमिटिव और यहाँ पे बहुत कम यील्ड होती है क्योंकि कोई मॉडर्न मेन्योर्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, बायोकेमिकल्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कुछ भी यूज नहीं करते. ठीक है, तो प्रोडक्शन आउटपुट बहुत कम होती है, लेकिन इनको आउटपुट ज्यादा करनी भी नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर यूज करते हैं जो ट्राइबल लोग होते हैं. देयर पॉपुलेशन इज वेरी लेस, छोटे से ग्रुप में ये लोग रहते हैं और इनको बहुत ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग करनी भी नहीं. ठीक है, तो आउटपुट कम होता है यहाँ पे, आउटपुट इज लेस एंड ऑल द प्रिमिटिव टेक्निक्स आर यूज्ड. दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जहां पर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वेरी वेरी हाई, इट इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन. ठीक है, जहां पर हाई पॉपुलेशन है और जहां पर लैंड पे बहुत प्रेशर है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से लैंड होल्डिंग्स आर बिकमिंग स्मॉलर एंड द प्रेशर ऑन लैंड इज इंक्रीजिंग. तो उस छोटे लैंड से ज्यादा क्रॉप लेने के लिए वो ऑल मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज्ड देयर. नॉट वेरी हाई लेवल ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, बट मॉडर्न इनपुट्स लाइक पुटिंग फर्टिलाइजर्स, यूजिंग ट्रैक्टर्स एंड यू नो बायोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, वो सारी चीजें यूज करके उससे ज्यादा आउटपुट लेते हैं ताकि अपनी कंजम्पशन, इतनी बड़ी फैमिली है, छोटा सा पीस लैंड का है, तो वो अपनी कंजम्पशन के लिए ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगा सके. That is intensive. Then comes commercial. Commercial में क्या होता है कि commercial market purpose के लिए crop उगाया जाता है, अपने खाने के लिए नहीं उगाया जाता है. ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि primitive और intensive subsistence farming हमेशा poor लोग करेंगे. ठीक है, और commercial farming जो है हमेशा rich लोग करेंगे. ठीक है, इतना तो, हालांकि this difference is not mentioned in your geography, लेकिन वैसे आपकी knowledge के लिए मैं ये बता रही हूँ. ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग में ऑल मॉडर्न हाई लेवल ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मॉडर्न इनपुट्स ऑफ फार्मिंग, एवरीथिंग इज यूज्ड ताकि वो अच्छे से अच्छा क्रॉप और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप निकाल सके और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पे बेच सके. ठीक है, उसके अलावा वन टाइप ऑफ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज प्लांटेशन. प्लांटेशन इज यस इंटेंसिव में पैसे की जरूरत तो होती है. ठीक है, तो तभी हमने इकोनॉमिक्स में हम पढ़े थे ना कि मनी लेंडर से फिर वो लेते हैं पैसे उगाने के लिए, फसलें उगाने के लिए, तो वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ही होता है. ठीक है,
हाँ तो गरीब लोगों को भी तो पैसों की जरूरत पड़ती है बेटा, ठीक है। आपने आपने आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था इकोनॉमिक्स का, आपको याद होगा लक्ष्मी के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके फार्म में उसने जब ग्राउंडनट उगाने थे, नहीं वो शायद हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट में। हाँ वो अब अभी हम इकोनॉमिक्स में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक एक जो गरीब लोग होते हैं फिर उनको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते हैं ताकि वो फर्टिलाइजर खरीद सके, अच्छे सीड्स खरीद सके, ठीक है। फिर वो अच्छा क्रॉप उगाते हैं, फिर वो क्या करते हैं उससे ज्यादातर वो अपना खाते हैं, जो थोड़ा बहुत क्रॉप बचता है या रहता है तो थोड़ा बहुत क्रॉप मार्केट में बेच के अपना उधार चुका लेते हैं, ठीक है। समझ आई आपको? इतना कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा। इंटेंसिव में, इंटेंसिव इज मोस्टली यूज्ड बाय पुअर एंड द मिडिल फार्मर्स, और कमर्शियल एग्रीकल्चर इज मोस्टली टेकन अप बाय द मिडिल एंड द रिचर फार्मर्स, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो कमर्शियल यूज कर सके, अपने क्रॉप्स को कमर्शियली बेच सके, ठीक है। और प्लांटेशन होता है जहां पे ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज पीस ऑफ। I thought we would be starting up with cropping pattern, but कोई फायदा नहीं है, वो बीच में रह जाएगा। So we'll be starting up the cropping pattern next week only, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ 3 types of farming ही complete कर पाए, ठीक है। All right, so we'll meet next week now. Okay बेटा, thank you everyone, thank you, good night. Thank you, Vijay.